हो रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको कोई नहीं। फाइनली टायर बच गया, हम फेंक गया। तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद गुलाब भाई ने फिर हिम्मत कर ली आयल डालने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस एक और नए व्लॉग में। तो आज आपने शायद मुझे बहुत दिन बाद देखा होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो आज मैं घर पे ही था, तो मुझे कुलदीप भाई ने फ़ोन करा कि अपनी जो बड़ी वाली मशीन है जेसीबी 3DX, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आज मैं आया हूँ कुलदीप भाई के पास। तो वहाँ सामने खड़ी है अपनी जेसीबी और कुलदीप भाई वहीं पर है, सरदार भाई भी वहीं पर है। तो चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज अपनी जेसीबी 3DX में क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या इश्यू है और उसको कैसे हमें रिजॉल्व करना है। ये अपने कुलदीप भाई जेसीबी के नीचे हैं। हाँ भाई कुलदीप, क्या हो गया, मिस्टेक आज? अरे यार इसका क्राउन टूट गया। तो भी यार फोन करा मैंने, यार एकदम कैसे फोन कर दिया भाई कुलदीप ने आज? यार क्या टूट गया इसका, एक मिनट दिखाओ गाइस। इसकी जो ड्राइविंग शाफ्ट है ये वाली, इसमें यहाँ से ये मिस्टेक हो गया, आयल निकल रहा है और ये निकल रहा है इसमें ना। हाँ, यहाँ से इसका मुंह टूट के अलग हो गया बिल्कुल। तो फिलहाल हम इसको खोल के यहाँ पे मशीन को रोड पे लेते हैं, फिर मिस्त्री को बुला के चेंज करवाना है। तो देखते हैं कितने का क्या नुकसान हुआ इसमें। फिलहाल तो इसको खोल के बाहर निकालते हैं मशीन को। तो दोस्तों अभी हम अपनी जेसीबी को कोई खाली जगह पर खड़ी करेंगे और उसके बाद एक मिस्त्री को हमने फ़ोन किया है, वो मिस्त्री आएगा और बताएगा कि इस मशीन में कितना खर्चा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको पूरा सीन दिखाएंगे आज इस वीडियो में हम। मतलब दिक्कत ऐसी है कि अभी इसमें अपन गेयर नहीं लगा सकते हैं, तो इसी तरीके से इसको जेसीबी को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो भाई गुलाब भाई को पूछते हैं कि मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, किस वजह से नुकसान हुआ। गुलाब भाई क्या ही हो एकदम? भाई लोडर मारो और बजरी आगे दुखाओ। हाँ जी, मैं एकदम फाट आया, झटको लगी हो। अच्छा, झटको ज्यादा लग गई, मतलब झटको लग गई, टूट गई। जल्दी टूटियो वो कहीं। ये हमारे करण भाई ज्यादा मायूस हो रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको कोई नहीं, मैं जितनी सुबह टूट गया गलत कर दियो, बहन बोल लेना पड़े। जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हुई है वो हो रखी है ये वाली, जो उसका क्राउन है उसका मुंह टूट गया इसके अंदर। हां गुलाब भाई आई रमाने दिन मेरा आई हो आई तपती है इसका चिगनट, और ये जो हिस्से के अंदर से साफ रहती है उसका मुंह टूटा हुआ इसमें। तो मिस्त्री साहब निकाल रहे इसमें से आयल। कितना लीटर है उस्ताद? 20 लीटर। ये तो ड्रम तो बड़ो लिया मिलियो, गलत बात नहीं है, खाली खाली रह जाए। इन्होंने कितना लीटर है? 300 ग्राम से मार सारो। किशो किशो इंजन ऑयल कितना लीटर है? इंजन आ 14। हां, ट्रांसमिशन आ 14-15। ट्रांसमिशन आ, हां 20 लीटर हो गए। क्राउन ऑयल आ, हां, और हाइड्रोलिक आ 120। 120 लीटर नहीं एक माइन भाई दीजिए, गुलाब भाई दीजिए। आयो इसमें चुंबक मैग्नेट, हां मैग्नेट इस वजह से देते हैं कि बाय चांस कोई टूट भी जाए इसमें इंजन के अंदर, तो इस पर चिपक सकता है। वो अगर इसमें चिपकेगा नहीं और उसके साथ में घूमेगा तो और भी तोड़ सकता है, इसलिए इसमें आती मैंने ये वास्ती आवाज़। उस हाँ 13 दाते तो पिनियन के हैं और ये कितना है? 38 दाते इसके थाली के। थाली पिनियन के अलावा एक रमन और निर गई कहीं के वही नहीं। उसका जो इसका सन गियर आता है एक्सेल का, एक्सेल ही बोल सकते हैं अपन इसको, इसमें ये गिरारी भी मिस्टेक है। ये प्लेट का की गुलाब है? ब्रेक जो नाम है, ब्रेक प्लेट है। अच्छा ब्रेक ही, ब्रेक ही हुआ मशीन में। तो गाइस कोई बात नहीं, नुकसान तो हो गया गुलाब भाई से, लेकिन गुलाब भाई की भी शादी नहीं हो रखी है। एक्सपीरियंस शादी आदि ब्याह में देखो, ब्याह ग्राम है कोखरे की रेबल है भाई। अच्छा कैसे कमावे ये भाई, गांव चेंज करे।
सब ठीक है, चौकड़ी तो बाहर डाली जा रहे पहली बार देखे गुल्ला टूट तोड़ो तो इसलिए पहली बार देख पहली बार देख ले लेंगे टूटोड़ो पहली बार देख अच्छा कुल मिलाकर गलती ऑपरेटर की गुलाब सिंह की गुलाब सिंह की है। तो भाई लोगों मामला टूटा है ये ऐसे जो मुंह यहाँ पता ये टूट के अलग हो गया और सिर्फ ये हुआ गुलाब भाई की गलती एडिटिंग करने वाला लक्ष्मण जी है कौन है वो हमारी बात सुनी जाए ये फालतू बात बिल्कुल मैं चढ़ाई मेरे पेट पे लात की मार रही है बिल्कुल मार रहे है पूरी पूरी लात मार रहे है ठीक है आपकी बात पे फोकस किया जाएगा ठीक है गुलाब जी कपड़ा दो ठीक ठीक तो हो चुका मामला फिटिंग का चालू और उठा क्रोन फिट है जब भाई लोग और यहाँ से टूटा था मुँह ये फिट करना है यहाँ पे और फिर एक्सल और उसके बाद में टायर हाँ काका तो कहाँ बचो ट्यूब तो फिट हो गई अब टायर फिट करना बस कितना तो टाइम लग जाए अब बस 10-15 मिनट काम हो गया चलो ठीक और गुलाब ने कहीं के बचाओ तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद गुलाब भाई ने फिर हिम्मत कर ली आयल डालने के लिए हाथ पर क्या दूज रहा है तो आगे हमारे लक्ष्मण भाई भी हमारे साथ में बाबू जी आए बोल रहे कि सुबह से मशीन कैसे कटी है तो यही पर पड़ोस में मकान है इनका हाल चाल पूछने के लिए आ गई है तो फाइनली टायर बच गया फेंकिया तो गाइस फाइनली अपनी मशीन की जो लास्ट फिटिंग है यानी कि टायर फिट करना था वो कंप्लीट हो चुका है और ये अपने मिस्त्री भाई शिवराज भाई इन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है और अब थोड़ा सा जो काम सो बाकी रह गया था वहाँ पर बजरी शिफ्ट करने का वो काम बस अब हम ख़त्म करके यहाँ से घर निकलने वाला है तो एट द एंड अपनी गाड़ी जो है फाइनली फिट हो चुकी है एक बार अपन जो मिस्त्री अपने भाई उनसे पूछते हैं भाई क्या क्या लगाया इन्होंने हाँ भाई क्या क्या लगाया अपन ने समाज कान पिनियन हाँ पिनियन के बेरिंग हाँ अच्छा और कितना बैठ गया अपना खर्चा आज का जेसीबी ऑयल कंपनी का जेसीबी ना कितना खर्चा बैठ गया कम से कम बैठ गया 20-25 हज़ार मेरे ख्याल से 40 हज़ार के आसपास भाई चलो गाइस कोई नहीं अपना काम तो हुआ पूरा कम से कम जी हो गई मशीन ओके एकदम टकाटक ठीक है भाई गति नहीं है भाई साहब ठीक है भाई चलो भाई